यूनिक हब एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, जितनी भी सफलता हासिल कर ले, लेकिन परिवार के बिना वह अधूरा है। पहले लोग सामूहिक परिवार में ही रहते थे, फिर धीरे धीरे काम की तलाश में तो कोई नौकरी की तलाश में अपनों से दूर होते गए। लेकिन परिवार के बिना इंसान आज भी बिल्कुल अधूरा है। फिलहाल पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, ऐसे में परिवार की अहमियत और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि यह दिवस की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी? नहीं जानते? चलो मैं आज आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप सबको मिलते रहे। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 को हर साल परिवार दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद साल 1993 यानी कि 1993 में महासभा ने एक संकल्प में हर साल यह दिवस 15 मई को मनाने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में परिवार को बेहतरीन जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। हर व्यक्ति के जीवन में उसके परिवार का काफी महत्व होता है। वो एक परिवार ही तो है जो हमेशा हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, विश्व परिवार दिवस हर साल एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए 2021 की थीम है परिवार और नई प्रौद्योगिकियां, यानी कि फैमिली एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।